इधर कैबिनेट मंत्री इमरती देवी पर दिए कमलनाथ के बयान से प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के मौन धरने को नौटंकी करार दिया। उन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हाथरस में दलित युवती के साथ हुई हैवानियत पर प्रदेश के एक भी भाजपा नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इमरती देवी पर दिए कमलनाथ के बयान को जबरन मुद्दा बनाया गया। उन्होंने कहा कि 1977 की तरह ही प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, इसलिए बीजेपी उम्मीदवार जनता के सामने दंडवत कर रहे हैं। ताकि कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में वो बात कही, लेकिन आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता, लेकिन ग्वालियर से 200-250 किलोमीटर दूर हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश, चाहे दलित युक्ति का न केवल बलात्कार हुआ लेकिन भाजपा के सरकार के पुलिस ने उसको दलित परिवार को उसकी उसका शव भी उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया। तब उनका मौन हमको गांव में घुसने नहीं देते थे कांग्रेस के लोगों, आज वही माहौल कांग्रेस के पक्ष में और कमलनाथ जी के पक्ष में है।